रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अधिकारियों के साथ कर रहे समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत, फिरोज गांधी सभागार में होगा कार्यक्रम। समाजवादी साइकिल यात्रा में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, सफाइयों ने किया स्वागत। शहर के सुपरमार्केट में सैकड़ों सफाई साइकिल यात्रा में शामिल। साइकिल यात्रा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल सुपरमार्केट में मौजूद। रायबरेली महाराजगंज थाना क्षेत्र की महिला से महाराजगंज थाना अध्यक्ष रेखा सिंह पर गंभीर आरोप, महिला ने डिप्टी सीएम से थाना अध्यक्ष की शिकायत। के समय भी उत्तर प्रदेश में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आता है, जब हमारी आर्थिक स्थितियां बिल्कुल एक कहना चाहिए धीमी रफ्तार की ओर बढ़ने के लिए आशंकित हो रहे थे, ऐसे समय निवेश उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है उसके कारण, और जो यहाँ पे एक वातावरण पूंजी निवेश का मिला है उसके कारण आज यहाँ पर ये स्थितियाँ आई हैं। कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और जो वैक्सीन है, कल अगर देखा जाए तो 28 लाख वैक्सीन 23 तारीख को, 3 अगस्त को, यानी अब तक का रिकॉर्ड है 28 लाख वैक्सीन एक दिन में वैक्सीनेशन लोगों का, 28 लाख लोगों का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।